भाई आज के वीडियो में हम कंपेयर करने वाले हैं क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 730G प्रोसेसर को हाई सिलिकॉन केरिन 810 प्रोसेसर के साथ में। और भाई ये जो दोनों प्रोसेसर है ना, ये अपने अपने ब्रांड के नॉट द बेस्ट लेकिन वन ऑफ द बेस्ट प्रोसेसर हैं और दोनों के अंदर काफी तगड़ी परफॉर्मेंस मिल जाती है। 730G की बात करें तो हाल ही में जो फोन लॉन्च हो रहे हैं भाई, जो मिड सेगमेंट के फोन है, जो बजट सेगमेंट के फोन है, उनके अंदर आपको 730G देखने के लिए मिल रहा है। और बात की जाए 810 की, यानी कि केरिन 810 की, तो ऑनर 20S के अंदर आपको देखने के लिए मिलता है। इंडिया के अंदर बहुत कम फोन है जिनके अंदर आपको केरिन 810 देखने के लिए मिलता है, लेकिन भाई दोनों प्रोसेसर की परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा तगड़ी निकल के आती है। करते हैं दोनों प्रोसेसर को कंपेयर, देखते हैं दोनों में से कौन सा है बेटर। तो फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। मेरा नाम है यश और प्रो टेक विलेज चैनल में आपका स्वागत है। सबसे पहले बात करते हैं लॉन्च डेट की। किरिन 810 लॉन्च हुआ था 21 जून 2019 को, वहीं पर स्नैपड्रैगन 730G लॉन्च हुआ था 9 अप्रैल 2019 को, यानी कि दोनों ही प्रोसेसर मिड जो सेकंड क्वार्टर होता है 2019 का उसमें लॉन्च किए गए थे। सीपीयू क्लॉक स्पीड की अगर हम बात करें तो दोनों ही प्रोसेसर के अंदर आपको डुअल क्लस्टर आर्किटेक्चर देखने के लिए मिलता है, यानी कि बात करें यहाँ पर किरिन 810 की तो यहाँ पर आपको दो कोर मिलता है परफॉर्मेंस के लिए, जहाँ पर आपको मिलता है कॉर्टेक्स A76 और उसके साथ में क्लॉक स्पीड आपको मिल जाती है 2.27 GHz की, और उसके साथ में 6 कोर मिलते हैं आपको कॉर्टेक्स A55 वाले, जहाँ पर आपको क्लॉक स्पीड मिल जाती है 1.88 GHz की। ये जो 6 कोर है ये एफिशिएंसी के लिए यूज़ होते हैं। स्नैपड्रैगन 730G की बात करें तो यहाँ पर आपको दो कोर मिलते हैं क्रायो 470 गोल्ड वाले, जो कि आते हैं परफॉर्मेंस के लिए, क्लॉक स्पीड आपको मिल जाती है 2.2 GHz की, और ये जो कोर है वो बेस्ड है कॉर्टेक्स A76 के ऊपर। बात करें बचे हुए 6 कोर की तो यहाँ पर वहाँ मिलता है आपको क्रायो 470 सिल्वर वाला, जो कि बेस्ड है कॉर्टेक्स A55 पे, और क्लॉक स्पीड आपको मिल जाती है 1.8 GHz की। तो सीपीयू क्लॉक स्पीड के मामले में भाई दोनों के अंदर आपको एक जैसे सीपीयू देखने के लिए मिलते हैं, एक जैसी क्लॉक स्पीड देखने को मिलती है। सीपीयू फैब्रिकेशन प्रोसेस की अगर बात की जाए तो भाई किरिन 810 को प्रोसेस किया गया है 7 नैनोमीटर की फैब्रिकेशन प्रोसेस पर, और स्नैपड्रैगन 730G को प्रोसेस किया गया है 8 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पर। अब भाई फैब्रिकेशन प्रोसेस जितना छोटा होता है, ये नंबर जितना छोटा होता है, प्रोसेसर उतना बेटर परफॉर्म करता है, उतना कम बैटरी खाता है, और साथ ही में हीट भी उतना ही कम होता है। तो सीपीयू फैब्रिकेशन प्रोसेस के मामले में किरिन 810 एक बेटर प्रोसेसर है। CPU आर्किटेक्चर एंड कोर्स की अगर बात कर ली जाए तो दोनों ही प्रोसेसर 64 बिट के ऑक्टाकोर प्रोसेसर हैं, यानी कि दोनों प्रोसेसर में मल्टीटास्किंग और टास्क डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आपको 8-8 कोर मिल जाते हैं। ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट यानी कि GPU की अगर हम बात करें, किरिन 810 के अंदर आपको मिलता है ARM की तरफ से आने वाला माली G52MP6 GPU, जहां पर क्लॉक स्पीड आपको मिल जाती है 850 MHz की, यानी कि गेमिंग की परफॉर्मेंस आपको इसके अंदर अच्छी मिल जाएगी, मोर देन डिसेंट आपको गेमिंग परफॉर्मेंस किरिन 810 के अंदर मिल जाती है। स्नैपड्रैगन 730G की बात करें तो यहाँ पर क्वालकॉम एड्रेनो 618 GPU देखने के लिए मिलता है, जहाँ पर क्लॉक स्पीड मिल जाती है आपको 825 MHz की। अब नंबर्स की बात करें तो किरिन 810 से थोड़ी सी कम क्लॉक स्पीड मिलती है, लेकिन भाई गेमिंग के परफॉर्मेंस की अगर बात की जाए और ग्राफिक रिलेटेड परफॉर्मेंस की बात की जाए तो दोनों प्रोसेसर के अंदर तकरीबन एक जैसी हमको यहाँ पर परफॉर्मेंस देखने के लिए मिल जाएगी गेमिंग और ग्राफिक के मामले में। रैम सपोर्ट की अगर बात कर ली जाए, किरिन 810 के अंदर आपको LPDDR4X रैम का सपोर्ट मिल जाता है, मैक्सिमम रैम साइज आपको मिल जाती है 8 GB की, और साथ ही में जो रैम फ्रिक्वेंसी है वो आपको मिल जाती है 1866 MHz की। वहीं पर बात करें स्नैपड्रैगन 730G की तो यहाँ पर भी आपको डुअल चैनल LPDDR4X रैम का सपोर्ट मिलता है, मैक्सिमम रैम साइज यहाँ भी आपको मिलता है 8 GB का, और भाई जो क्लॉक स्पीड है, जो उसकी रैम फ्रिक्वेंसी है, वो आपको मिल जाती है 1866 MHz की, यानी कि रैम सपोर्ट के मामले में भी दोनों प्रोसेसर तकरीबन एक जैसे हैं। स्टोरेज सपोर्ट की अगर बात करें, दोनों ही प्रोसेसर के अंदर आपको eMMC 5.1 और UFS 2.1 दोनों का सपोर्ट मिल जाता है। अब भाई eMMC 5.1 में रीड राइट की स्पीड आपको थोड़ी कम मिलती है, UFS 2.1 में थोड़ी सी बेटर रीड राइट की स्पीड आपको मिलती है, तो जब आप कोई फ़ोन लेते हैं जिनमें इन दोनों में से कोई एक प्रोसेसर मिलता है तो आपको ये ध्यान रखना है कि वहाँ पर कौन सा स्टोरेज टाइप आपको देखने को मिलता है। कैमरा सपोर्ट की अगर बात की जाए, किरिन 810 के अंदर अगर सिंगल कैमरा यूज़ किया जाता है तो 48 मेगापिक्सल तक का सिंगल कैमरा आपको इसके अंदर देखने के लिए मिल सकता है। डुअल कैमरा की अगर बात की जाए तो 40+24 मेगापिक्सल का डुअल कैमरा सपोर्ट आपको किरिन 810 के अंदर देखने के लिए मिल जाएगा। स्नैपड्रैगन 730G की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर डुअल कैमरा सपोर्ट मिल जाता है आपको 22+22 मेगापिक्सल का, यहाँ पर आपको MFNR का सपोर्ट मिल जाता है और फ्रेम रेट आपको मिल जाता है 30 फ्रेम पर सेकंड का। अगर 36 मेगापिक्सल का सिंगल कैमरा
सारा यूज किया जाता है, तो यहाँ पर आपको MFNR और ZSL दोनों का सपोर्ट मिल जाता है, साथ ही में फ्रेम रेट आपको मिल जाता है 30 फ्रेम पर सेकंड का। अगर 48 मेगापिक्सल का सिंगल कैमरा यूज किया जाता है तो यहाँ पर आपको ZSL का सपोर्ट नहीं मिलता है, केवल MFNR का सपोर्ट मिलता है और फ्रेम रेट आपको मिल जाता है 30 फ्रेम पर सेकंड का। और भाई MFNR और ZSL दोनों ही ना लिए जाएं तो यहाँ पर मैक्सिमम कैमरा साइज आपको मिल सकता है 192 मेगापिक्सल तक का। तो कैमरा सपोर्ट के मामले में भाई स्नैपड्रैगन 730G को थोड़ा सा एडवांटेज मिलता है। वीडियो कैप्चर रिजोल्यूशन की अगर हम बात करें तो किरिन 810 के अंदर आपको 4K अल्ट्रा HD वीडियो तक आप रिकॉर्ड कर सकते हैं, तो वहाँ पर आपको मिल जाता है रिजोल्यूशन 2160 पिक्सल्स का और फ्रेम रेट आपको मिल जाता है 30 फ्रेम पर सेकंड का। स्नैपड्रैगन 730G की बात की जाए तो यहाँ पर आप 4K अल्ट्रा HD वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं 2160 पिक्सल्स वाले 30 फ्रेम पर सेकंड पे, फुल HD प्लस यानी 1080 पिक्सल्स आप रिकॉर्ड कर सकते हैं 120 फ्रेम पर सेकंड पे, और HD वीडियो यानी 720 पिक्सल आप रिकॉर्ड कर सकते हैं 240 फ्रेम पर सेकंड पे, जिसको हम स्लो मोशन भी बोलते हैं। तो वीडियो कैप्चर रिजोल्यूशन के मामले में भाई दोनों प्रोसेसर ऑलमोस्ट एक जैसे हैं, दोनों में आपको अप टू 4K वीडियो का रिकॉर्डिंग ऑप्शन मिल जाता है। बात की जाए डिस्प्ले सपोर्ट की, डिस्प्ले सपोर्ट के मामले में किरिन 810 थोड़ा सा बेटर लगता है, क्योंकि यहाँ पर आपको QHD प्लस डिस्प्ले का सपोर्ट मिलता है, जहाँ पर रिजोल्यूशन आपको मिल जाता है 2160 बाय 3360 पिक्सल्स का। स्नैपड्रैगन 730G के अंदर आपको फुल HD प्लस डिस्प्ले का ही सपोर्ट मिलता है, जहाँ पर मैक्सिमम रिजोल्यूशन आपको मिलता है 1080 बाय 2520 पिक्सल्स का। तो डिस्प्ले सपोर्ट के मामले में किरिन 810 थोड़ा सा बेटर प्रोसेसर है। बात की जाए LTE मॉडेम की, किरिन 810 के अंदर आपको इंटीग्रेटेड 4G LTE मॉडेम देखने के लिए मिलता है, जहां पर डाउनलिंक के लिए आपको मिलता है CAT21 मॉडेम और डाउनलोड की स्पीड आपको मिल जाती है 1.4 GBPS तक की। अपलोड के लिए यहां पर आपको मिल जाता है CAT18 मॉडेम और अपलोड स्पीड आपको मिल जाती है 200 MBPS की। स्नैपड्रैगन 730G की अगर बात की जाए तो स्नैपड्रैगन का X15 LTE मॉडेम आपको यहां पर देखने के लिए मिलेगा, डाउनलिंक के लिए आपको मिलती है CAT15 मॉडेम और डाउनलोड स्पीड आपको मिल जाती है 800 MBPS तक की। अपलिंक के लिए यहाँ पर आपको मिलता है CAT13 मॉडेम और अपलोड स्पीड आपको मिल जाती है 150 MBPS की। तो LTE मॉडेम के मामले में भाई किरिन 810 बेटर प्रोसेसर है स्नैपड्रैगन 730G से। एंटीटू स्कोर्स की अगर बात की जाए तो यहाँ पर भी दोनों प्रोसेसर ऑलमोस्ट आसपास ही हैं। किरिन 810 को मिलते हैं अप्रॉक्सीमेटली 235,000 से 240,000 के बीच में पॉइंट, वहीं पर बात करें स्नैपड्रैगन 730G की तो इसको मिलते हैं अप्रॉक्सीमेटली 259,109 पॉइंट। तो एंटीटू स्कोर्स के मामले में अगर केवल नंबर्स की बात की जाए तो यहाँ पर स्नैपड्रैगन 730G थोड़ा सा बेटर प्रोसेसर है, लेकिन भाई ये एक निग्लेजिबल डिफरेंस है, दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। Geekbench स्कोर की अगर बात की जाए तो किरिन 810 को सिंगल कोर में मिले हैं 2746 पॉइंट, वहीं पर सिंगल कोर में स्नैपड्रैगन 730G को मिले हैं 2557 पॉइंट। तो किरिन 810 सिंगल कोर में बेटर परफॉर्मेंस करता है Geekbench के अकॉर्डिंग। मल्टी कोर की अगर बात की जाए तो किरिन 810 को मिलते हैं 7700 पॉइंट, वहीं पर मल्टी कोर में स्नैपड्रैगन 730G को मिले हैं 6967 पॉइंट। यानी कि सिंगल कोर और डबल कोर यानी मल्टी कोर में, सॉरी डबल कोर नहीं मल्टी कोर में किरिन 810 बेटर परफॉर्म करता है। तो भाई ये था कंपैरिजन हाई सिलिकॉन किरिन 810 प्रोसेसर का क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 730G के साथ में। और भाई जो मेरे लिए जो मेजर एस्पेक्ट्स होते हैं प्रोसेसर के, सीपीयू और जीपीयू, वहां पर दोनों ही प्रोसेसर ऑलमोस्ट एक जैसे हैं। यानी कि सीपीयू और जीपीयू की यानी गेमिंग की, ग्राफिक्स की, डे टू डे यूसेज की परफॉर्मेंस आपको दोनों के अंदर एक जैसी मिलने वाली है, लगभग एक जैसी मिलने वाली है। तो यहां पर आप सीपीयू और जीपीयू के बेस पे विनर नहीं निकाल सकते हैं, लेकिन इस बैटल का जो अल्टीमेट विनर निकल के आएगा वो आता है हाई सिलिकॉन किरिन 810 प्रोसेसर। और उसका रीजन है भाई LTE मॉडेम। यहाँ पर आपको काफी तगड़ा LTE मॉडेम मिल जाता है, 1.2 GBPS की डाउनलोड स्पीड आपको यहाँ पर मिल जाती है, जो कि 730G में नहीं मिलती है। तो LTE मॉडेम आपको यहाँ पर बेटर मिल जाता है, उसके साथ में डिस्प्ले सपोर्ट आपको बेटर मिल जाता है, हाई सिलिकॉन किरिन 810 में QHD डिस्प्ले का सपोर्ट मिल जाता है। तो ये छोटे छोटे फैक्टर्स हैं जिनके कारण यहाँ पर इस बैटल का विनर निकल के आता है हाई सिलिकॉन किरिन 810 प्रोसेसर। तो भाई आप मेरे को कमेंट करके बताना भाई दोनों में से आपको कौन सा प्रोसेसर बेटर लगता है, कमेंट करके जरूर से बता देना। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन दबा देना, ऑल वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना, ताकि मेरे वीडियो के नोटिफिकेशन पहुंचेंगे तुरंत से। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।